ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने एग्जिट पोल के नतीजों को नकारा है। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक तरफा काम करने के आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक संसदीय चुनाव क्षेत्र से 400-500 आदमियों को पूछकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखकर 23 मई का इंतजार करो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने एग्जिट पोल के नतीजों को बुरी तरह नकारा है। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में एक तरफा काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक संसदीय चुनाव क्षेत्र से 400-500 आदमियों को पूछकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखकर 23 मई का इंतजार करें, एग्जिट पोल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह फेल हो जाएगा। रामलाल ठाकुर ने धन बल पर एग्जिट पोल को अपने पक्ष में घोषित करवाने का भी भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को छोड़कर सेना के पराक्रम को चुनाव जीतने के लिए कवच के रूप में दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। ये हमेशा मैनिपुलेटेड होता है। भारतवर्ष का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो मोदी की झोली में पड़ के काम करता रहा है। शुरू से लेके ऐसा लगा है कि मीडिया ना होके ये मोदी ही मीडिया है। ये पूरे मैं कहना चाहूँगा, मोदी विदेशों में जाए तब भी मीडिया फ्लेयर अप करता है, अब मोदी गुफा में बैठे हुए तो भी मीडिया फ्लेयर अप कर रहा है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया ने जो ये जो एग्जिट पोल निकाल रखा है, ये मैं कहूँगा कि ये मोदी जी की छाया है उस पर। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी वोटिंग जो है वो पूरी नहीं हुई, लेकिन एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। जब आपकी अभी मशीनें बंद नहीं हुई तो एग्जिट पोल जो है, क्या ये मीडिया वाले इतने तंदुरुस्त थे कि ये पेट बात निकाल देते हैं? नंबर दो, मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों में गए और हम मिले हैं 13 लाख से ज़्यादा लोगों के पास हम कैंडिडेट हो जाते हैं। हमारी जो वोटिंग वोट है वो 13,62,000 से ज़्यादा है। हम सब जगह जाके गए हैं। मैं कहूँगा कि जो लोगों का एग्जिट पोल है वो मैंने रखता है। ये जो मैं कहूँगा कि ये जो एग्जिट पोल अलग अलग से संस्थाओं से करवाते हैं, उनको पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं। असली में जो बोलेगी वो जो है वो पब्लिक का जो एग्जिट पोल है वो पृष्ठभूमि देखे। दिल्ली के बारे में एग्जिट पोल ने कहा था दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, लेकिन वहाँ पे आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी और इतनी मेजोरिटी में बनी जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। नहीं तो एग्जिट पोल वहाँ पे कहाँ गया था भाई, जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे के सारे मैनेज्ड है। ये एग्जिट पोल का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 200 आदमी को 400 आदमी को पूछ दिया तो आपने 13 लाख 13.5 लाख लोगों की जो है ना वो नब्ज पहचान ली। ये मैं कहूँगा सारे